आपके लिए लेकर आई हूँ कि गर्मियों में आप किस तरह से कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल को लगाकर विद इन ए मिनट अपनी स्किन को चमका सकते हो और स्किन को टाइट और फर्म भी कर सकते हो। ये तरीका मैं भी बहुत बार अपनाती हूँ क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल भी होती है, चिपचिपापन भी रहता है, चेहरे पे कालापन भी आता है और जो लोग जिद्दी टैन या झाइयों से परेशान रहते हैं उनके लिए तो अलग ही बात हो जाती है स्किन की केयर करना। तो आज का अगर आपने मेरा बताया हुआ नारियल तेल का ये तरीका अपनाया तो एक बारी में आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन अपलिफ्ट होगी और चेहरे पे जो निखार आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो मैं निगार यहाँ पर ऐसे ही खूबसूरत रेमेडी आपके लिए लेकर आती हूँ। तो चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो या आज मेरे चैनल पर आपने विजिट किया है गाइस, तो आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और ऐसे ही रेमेडी आपके लिए लेकर आती हूँ। तो प्लीज अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है या मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकन और हाँ छोटा सा लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करो और चलो बताती हूँ कि आप गर्मियों में नारियल तेल को किस तरह से लगा सकते हैं। कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज निगार। दोस्तों दिल से स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग यानी मेरी फैमिली के सारे ही लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और खूब अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस सर्दियों में हमने नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल को खूब भर भर कर लगाया, आपने मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है और आप लोग ये मुझसे पूछते हो कि निगार सर्दियों में हमने नारियल तेल लगाया बट गर्मियों में अगर हम इसका इस्तेमाल करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा गजब का तरीका बता रही हूँ गाइस जिससे आपकी स्किन विद इन ए मिनट अपलिफ्ट होगी, टाइट होगी और जो ग्लो आएगा उसको देखकर आप सरप्राइज हो जाओगी। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को शेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आज ना ये एक बॉल लिए हूँ, ट्रांसपेरेंट बॉल है, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। आपको क्या करना है, ये है छोटी सी बॉटल, मैंने ज्यादा बड़ी वाली नहीं ली है, ये देखो इस तरह की है, 20 रुपीज की है मेरे ख्याल से। तो ये बॉटल है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है या फिर पैराशूट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो नारियल तेल क्या करता है, स्किन को ग्लो देता है, ताजगी देता है, एजिंग के प्रोसेस को ख़त्म करता है और आपके फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, स्किन लूज हो रही है, लटक रही है तो उसको भी अपलिफ्ट करता है। और गाइस ये बहुत ही लाइट वेट ऑयल होता है जो कि हमारी स्किन के अंदर इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो एक चम्मच नारियल तेल आपको लेना है, एक बारी के लिए हम बना रहे हैं। और सेकेंड यहाँ पर हमें लेना है रोज हिप जेल, जो कि मैंने इसको पर्पल से बाय किया था, बट अगर आपके पास ये जेल नहीं है, आप लोग बोलोगे कि निगार हमारे पास नहीं है, तो आपको क्यूम्बर जेल, पपाया जेल या फिर जो सा भी जेल है आप एलोवेरा जेल उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊं गाइज, ये बहुत ही खूबसूरत कलर का होता है, कुछ ऐसा पिंक सा आपको दिखेगा। और इसका इस्तेमाल मैं अपनी स्किन के लिए करती हूँ क्योंकि स्किन के लिए इंस्टेंटली ग्लो लेकर आता है और आपकी स्किन को ये हमेशा नरिशमेंट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इतना जितना आप देख रहे हैं लगभग 1/4 टेबल स्पून आपको लेना है, इसके अंदर डालेंगे, ठीक। ये देखिए इस तरह से हमने इसको डाल लिया। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे पास है, मैं बहुत ही ऐसी चीज़ें आपको बता रही हूँ जो कि एफोर्डेबल हैं और आप बहुत कम खर्च में घर पर ये स्किन केयर कर सकती हो। 2-2 रुपये वाले ये कॉफ़ी के सैशे, तो इस तरह मैं मंगा लेती हूँ क्योंकि बड़ा मंगाओ तो वो कॉफ़ी जम जाती है, अक्सर ऐसा होता है। 2 रुपये का है, एक बार इस्तेमाल कर लो इसको और कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए ना इंस्टेंट ग्लो देती है गाइस और मुझे बहुत अमेजिंग लगती है अपनी स्किन के ऊपर, इसको लगाना मुझे बहुत पसंद है। आपकी स्किन के ग्लो के लिए, आपकी स्किन की फेयरनेस के लिए, आपकी स्किन के टैन को हटाने के लिए, आपकी स्किन को जो रिजुवेनेट करने के लिए, साथ ही साथ अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क सर्किल की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग धब्बे हैं उनको हटाना चाहती हैं तो ये कॉफ़ी बहुत ही कमाल करती है, ठीक है। तो 2 रुपये वाला सैशे आपको लेना है, जितना इसके अंदर आता है ये पूरा का पूरा सैशे आप इसके अंदर डाल लोगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा रोज वाटर, ये देखो थोड़ा सा रोज वाटर लीजिए, तकरीबन हम यहाँ पे 8 से 10 बूंदी रोज वाटर की डालेंगे जो कि स्किन के पीएच को बहुत अच्छी से मेंटेन करती है। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे लेना है राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, मैं ना इस तरह का डब्बे में भरकर बनाकर पीस कर रख लेती हूँ गाइस और जब भी मुझे जरूरत होती है तो इसको मैं अपनी स्किन के ऊपर लगाती हूँ। तो तकरीबन 1 चम्मच आपको इसके अंदर चावल का आटा लेना है जो कि आपकी स्किन के पोर्स को क्लीन करके स्किन को टाइट करेगा, अपलिफ्ट करेगा और चेहरे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त निखार लेकर आने वाला है, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम देखो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे।
और ये हमारा जो रेमेडी बनकर तैयार हुई है एक बार के लिए है, ये देखो इस तरह की ये हमारी रेमेडी बन गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो पहले, और इसको लेकर आपको सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे मसाज देनी है, और जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं, झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, या फिर डार्क सर्किल की प्रॉब्लम है, या फिर झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी स्किन लूज है, उस जगह पे आप गोल गोल घुमाते हुए इसको लगाइए, यहाँ तक कि आप नेक एरिया को भी कवर कर लीजिए। इसको आप वाइट ना करना, क्योंकि ये आपकी स्किन को वाइट भी करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा, कालेपन को भी हटाएगा, टैन भी हटेगा। ठीक है, तो पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, यहाँ तक अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा बनाकर अपनी पूरी बॉडी के ऊपर स्क्रब कर सकती हो। हाथ पैरों की वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और जिद्दी टैन को हटाने का भी काम करेगा। ठीक है, और जो ग्लो आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आपको इस तरह से इसको लगाना है, और लगाने के बाद हल्के हाथों से रब कीजिए, और रब करने के बाद आपको इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है। 10 मिनट बाद हल्के हाथों से अगेन आप फिर से हल्का सा मसाज दीजिए, सिर्फ 1-2 मिनट का, और उसके बाद आप ठंडे पानी से छींटे मारते हुए चेहरे को वॉश कर लीजिए। गाइस, ये इतना अमेजिंग ग्लो लेकर आएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि पहले स्टेप में आपकी स्किन इतना ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर दी है, और आपके चेहरे का जो निखार है, जो आपकी स्किन की सॉफ्टनेस है, जो आपकी स्किन का ग्लो है, उसको देखकर आप बहुत सरप्राइज हो जाओगी, और आपकी स्किन बिल्कुल पिंक लगने वाली है इससे। और जितनी भी डेड सेल्स हैं, डेड लेयर्स हैं, या फिर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या बनाना है, नेक्स्ट जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको आपको अपने पाम के ऊपर भी बना लेना है, या फिर आप किसी कटोरी में बनाकर रखना चाहती हैं तो उसको आप बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चाहिए 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये ले लीजिए, और इसके बाद आधा चम्मच आपको इसके अंदर डालना है शहद, और शहद की डालने के बाद आप इसके अंदर आधा चम्मच के बराबर डालोगी, यानी 8 से 10 बूंदे आपको इसके अंदर ग्लिसरीन की ऐड करनी है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप में इसको पूरे चेहरे पे लगाना है, और पूरे चेहरे पे मसाज देनी है। ये देखिए, मेरे पास ये ग्वाशा है, और यहाँ पर ये फेस रोलर है जिसका इस्तेमाल मैं करती हूँ अपनी स्किन को टाइट करने के लिए। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, अगर मेरे पास इसका लिंक होगा तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। गाइज, ये बहुत अमेजिंग है, आपकी स्किन को इंस्टेंटली ये बिल्कुल टाइट करता है, और जो लोग 30 या 30+ के हो चुके हैं तो उनको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मतलब एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा है, बिलीव मी, बहुत ही ज़बरदस्त निखार लेकर आता है, और आपकी स्किन के ऊपर ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। तो इसको लेकर आप मसाज कीजिए, अगर फिलहाल अभी के लिए नहीं है तो आप अपने हाथों से मसाज कर सकती हो। यहाँ पर इसको मसाज करने के बाद एक साइड करके दिखा रही हूँ, एक साइड की स्किन आप देखो कितना ज़्यादा आपको चिकनी और टाइट दिख रही है, जिधर मैंने नहीं किया है वहाँ की स्किन आपको बल्की बल्की सी, यानी फ्लफी सी दिख रही होगी, यानी टाइटनेस नहीं है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, इसको मेरे ख्याल से हर लेडी के पास ये होना चाहिए। इस तरह से आपने मसाज कर लिया, तकरीबन 10 मिनट के लिए आप ऐसे मसाज कीजिए, और 10 मिनट बाद आपको क्या करना है कि इसको 5 मिनट के लिए छोड़ने के बाद आपको फिर से अगेन ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है। ठीक है, ये 2 स्टेप करने के बाद आप पाओगी कि आपकी स्किन के ऊपर जो टाइटनिंग इफेक्ट आया है, जो आपके फेस का ग्लो बढ़ा है, जो आपकी स्किन का चार्म बढ़ गया है, वो महंगा महंगा फेशियल नहीं कर पाया यार, और इतना गजब का ट्रीटमेंट आपने फ्री में घर पर कर लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं गाइस, ये वीडियो यहां तक देख लिया है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपसे वो मिस ना हो और आप घर पर ही उसका फायदा उठा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे फेस को क्लीन करने के बाद आपको डैब डैब करते हुए स्किन को अच्छे तरह से क्लीन कर लेना है, और थोड़ा सा जेल मैं अगेन ले रही हूँ, रोजहिप जेल, और इसको अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ। क्यूक्यूम्बर जेल आप लगाना चाहते हो, रोज वाटर लगाना चाहते हो तो आप उसको भी लगा सकते हो, या फिर जो सा भी जेल आपको सूट करता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपनी स्किन की केयर हफ्ते में 2 बार ये करती हो, नारियल तेल अगर इस तरह से लगाती हो, तो आपके चेहरे का निखार, आपकी स्किन की टाइटनिंग, आपकी स्किन का ग्लो कहीं नहीं जाने वाला है, पूरी गर्मियों आपकी स्किन जो है ग्लो करने वाली है, और सारी गर्मी आपकी निकल जाएगी, चेहरे पे मैल या टैन कालापन नहीं चढ़ने वाला है। तो आप सभी लोग इसको ट्राई कीजिए, कौन कौन जा रहा है इसको ट्राई करने, मेरे ख्याल से मेरी फैमिली के सारे मेंबर फिर से इस नारियल तेल की रेमेडी को ट्राई करके इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर करेंगे, जैसे कि आपने बाकी के वीडियोज़ में किया है।
अगर आपका कोई डाउट है कमेंट कर लीजिए, पूछ सकते हैं मुझसे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं निगार फातिमा 17 पर। कोई भी पर्सनल क्वारी है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। टेक केयर, बाय गाइस, बाय बाय।